नमस्कार, आप देख रहे हैं दादास्तक 24। गत 12 अप्रैल को ये मामला जनपद हाथरस की कोतवाली क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में सेठ हरचरण दास बालिका इंटर कॉलेज के क्लर्क के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था तथा मामले की छानबीन में पुलिस लगी हुई थी। पुलिस को करीब 27 दिन बाद इस मामले में बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। इस वारदात में शामिल 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं तथा एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए हैं। वारदात के पीछे आपसी विवाद बताया जा रहा है। जानलेवा हमले का खुलासा कर हाथरस SP सिद्धार्थ शंकर मीणा ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। द दस्तक 24 ने इस खबर को विस्तार से दिखाया है। इस मामले का जायजा लिया हमारे सहयोगी टेकपाल कुशवाहा ने। देखें इस रिपोर्ट को। तो इसका लड्डू का कहना है कि वो कुछ उससे रिकवरी करने की बातें हो रही थी कि मतलब मैं रिकवरी करा दूंगा, तो ऐसा उनके वहाँ कोई इस तरह का कोई बात नहीं होगी। जिस वेतन संबंधी जो रिकवरी नहीं होगी या फिर वट एवर देश हो कॉलेज वाले बच्चे जानते तो इसीलिए ये हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।